हेलो दोस्तों, आज 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार सरकार ने सोमवार को जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसके साथ बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को जारी की गई जातीय गणना रिपोर्ट का विवरण साझा करने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। उन्होंने राज्य की 9 पार्टियों से इस बैठक में हिस्सा लेने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि सरकार जातीय गणना और सर्वेक्षण की विस्तृत जानकारी देगी। बिहार में किसकी कितनी आबादी है, आंकड़े जारी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52%। साथ ही आपको बता दें, बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। हिंदू धर्म की आबादी है 81.99%, मुस्लिम 17.7%। इसी तरह से आप देख सकते हैं ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य। साथ ही बिहार में जाति वाइज भी आबादी की रिपोर्ट सामने आई है। बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है, यादव जाति सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हैं 13.07 करोड़ से ज्यादा कुल आबादी है। यानी बिहार राज्य में हुई गणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या में बिहार के बाहर में रहने वालों की संख्या 53,72,022 है। बिहार राज्य में रहने वालों की कुल जनसंख्या 12,53,53,288 है। बिहार में जातीय गणना के नतीजे नीतीश सरकार ने जारी कर दिया। वहीं अब जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं के साथ साझा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। मथुरा वृंदावन हाउसफुल, 10 लाख टूरिस्ट पहुंचे हैं। मथुरा और वृंदावन में गांधी जयंती पर दर्शनों के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते श्रद्धालुओं से भरे हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख से ज्यादा लोग मथुरा वृंदावन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम होंगे। पहला कार्यक्रम सरकारी, जिसमें वो विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद लालबाग मैदान में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी का जो ये दौरा है वो काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। दरअसल पीएम मोदी जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट को देश को समर्पित करेंगे। नगरनार में बना NMDC का ये स्टील प्लांट देश के सबसे बड़े स्टील प्लांटों में शुमार है। पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी होगी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में नीलामी से मिली रकम लगाई जाएगी। यानी पीएम मोदी को उपहार में मिली वस्तुओं की एक बार फिर से नीलामी होने जा रही है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित ई ऑक्शन में इस बार कुल 912 उपहारों को शामिल किया गया है और इस बार भी जो ई ऑक्शन से पैसे मिलेंगे इनका इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया जाएगा। सबसे पहला ई ऑक्शन इस तरह का जो है वो जनवरी 2019 में हुआ था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पीएम मोदी को मिले तोहफों और मोमेंट टॉर्च की प्रदर्शनी लगाई गई है। इन सभी का ई ऑक्शन 2 अक्टूबर से शुरू हुआ जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजाब के खेल मंत्री मीत अहर का बड़ा ऐलान, कोचों की सैलरी 3 गुना बढ़ाई गई, हर साल 3% वेतन बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। 6 बीघा जमीन के लिए 6 लोगों की जाने चली गई। देवरिया नरसंहार की दिल दहला देने वाली ये वारदात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सोमवार को ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई। जमीनी विवाद के चलते 6 लोगों की हत्या कर दी गई और इनमें से 5 एक ही परिवार के लोग थे। बताया जा रहा है कि 6 बीघे जमीन का विवाद हो रहा है। 2 अलग अलग जातियों के चलते आपस में जमीनी विवाद की पुरानी रंजिश चल रही थी। जमीनी विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की जाने ले ली गई। भारत और चीन बॉर्डर पर सरकार इंटेलिजेंस पोस्ट बनाएगी। लद्दाख से अरुणाचल तक बनेगी। LAC के पार चीन की हरकतों और घुसपैठ पर नजर रखने की यह बड़ी कवायद। भारत चीन सीमा पर खुफिया अधिकारियों की टीम तैनात की जाएगी और इसे बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चीन की हरकतों और घुसपैठ पर नजर रखने की एक कवायद मानी जा रही है। पायलट क्रू मेंबर्स का परफ्यूम लगाना बैन हो सकता है। DGCA का ड्राफ्ट तैयार, कहा कि इसमें अल्कोहल ज्यादा। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पर असर संभव। यानी भारतीय पायलटों और क्रू मेंबर्स के परफ्यूम लगाने पर पाबंदी लग सकती है। इस तरह का एक प्रस्ताव तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बिजली कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन। 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बिजली कर्मचारियों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों की कई तरह की मांगे हैं। हरियाणा के सभी जिलों में रखे जाएंगे योग कोच। CM मनोहर लाल खट्टर ने यह बड़ा ऐलान किया। यानी हरियाणा में अब हर जिले में योग के कोच रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान योग एवं आयुष सहायक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में करीब 6,500 पंचायतों में योग व्यायामशाला खोलने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जिसको जल्द ही पूरा कर
लिया जाएगा। राजस्थान से अयोध्या पहुंचा पहला राम स्तंभ 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। मणि पर्वत पर इसे स्थापित किया जाएगा। इस पर रामायण के प्रसंग लिखे हुए हैं। विलुप्त होते कौओं को बचा रहे उज्जैन के रिटायर्ड शिक्षक, रोजाना दाना डालते हैं और 700 से ज्यादा कौवे रोज इकट्ठे होते हैं। देश भर में श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करके यज्ञ करते हैं और कौवे को जल अन्न भी अर्पित करते हैं। कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार अगर कौवा श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। उज्जैन के अशोक कुमार दुबे जी, जो पैसे से एक रिटायर्ड टीचर है, वह न केवल श्राद्ध पक्ष में बल्कि रोजाना कौओं को दाना खिलाते हैं और इनके पीछे इसका मुख्य उद्देश्य कौओं की विलुप्त हो रही प्रजाति को बचाना है। रोजाना वो दाना पानी के लिए 500 से 700 कौवे आ जाते हैं उनके पास। छत्तीसगढ़ में युवक के पेट से निकला गर्भाशय, दुनिया भर में केवल 300 ऐसे मामले। पुरुषों में गर्भाशय का होना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। दुनिया भर में इस तरह के 300 मामले अब तक सामने आए हैं। युवक का ऑपरेशन हो गया, फिलहाल उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर, राजौरी के जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी है। जापान के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आसमान से प्लास्टिक की बारिश हो सकती है। उन्होंने पहाड़ की चोटियों पर छाए बादलों से इकट्ठा करके लैब में जांच की और उसके बाद फिर ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। जापान में शोधकर्ताओं ने आसमान में बादलों के बीच तैरते हुए 9 प्रकार के पॉलीमर और एक रबर की खोज की है, जो जलवायु के लिए एक चिंताजनक संकेत है। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल में आज से मेट्रो रेल का ट्रायल रन, सीएम शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी ने राजस्थान को करोड़ों की सौगात दी है, सांवरिया सेठ मंदिर में पूजा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे और यहां पीएम ने सबसे पहले सांवरिया सेठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया। पंजाब में 159 जुडिशियल ऑफिसरों की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि इंटरव्यू से पहले लिखित परीक्षा के अंक सार्वजनिक न हो। मलेरिया से रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई वैक्सीन को मंजूरी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि WHO ने मलेरिया के टीके को मंजूरी दी है, जिससे दुनिया के दूसरे ऐसे टीके के लिए वैश्विक स्तर पर रोल आउट का मार्ग प्रशस्त हो गया। WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नए टीके को मंजूरी दी है। बांग्लादेश में डेंगू के कारण हालात बिगड़ रहे हैं, 2,00,000 से अधिक मामले, हजारों की जानें भी चली गई। डेंगू वैश्विक स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस रोग के कारण दुनिया भर में करीब 35 से 36 हजार से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। असम से जुड़ी अपडेट खबर, चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाने का फैसला हुआ। न्यूनतम वेतन में 18 रुपए की वृद्धि होगी। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं और मजबूत होगी, एक ही जगह से मिलेंगी सभी सेवाएं। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने व्यापक परियोजना प्रबंधन इकाई को गठित करने के निर्देश दिए हैं। चार धाम यात्रा 2023 अपडेट, केदारनाथ धाम में मौसम खराब, पैदल मार्ग पर हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की, सभी यात्री सुरक्षित। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया, MP में कांग्रेस सरकार बनने पर कराएंगे जातिगत जनगणना। वहीं दोस्तों CBSE से जुड़ी बड़ी काम की खबर आ रही है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा CBSE, 4 से 10 अक्टूबर तक स्कूलों में मेंटल हेल्थ वीक मनाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य की ओर यह कदम बढ़ाया है और इसके दौरान विभिन्न गतिविधियां होगी। तमिलनाडु से जुड़ा अपडेट, CM स्टालिन ने इसरो के 9 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है, 25-25 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तेलंगाना में कर्मचारियों को 5% अंतरिम पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए एक वेतन संशोधित समिति यानी PRC गठित करने का निर्णय लिया। कमेटी को 6 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। वित्त विभाग को वेतन संशोधन समिति की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन और कर्मचारियों की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 5% अंतरिम पारिश्रमिक का भुगतान करने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन बस में टेस्ट ड्राइव की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ली। विधानसभा चुनाव से जुड़ा अपडेट, आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए जारी दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम है, जबकि मध्य प्रदेश में 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक राज्य संचालित अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 24 मरीजों की जान चली जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 12 नवजात भी शामिल है। नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल के
डीन ने कहा है। पिछले 24 घंटों में हुई 24 मौतों में से 12 वयस्कों की मौत विभिन्न बीमारियों और ज्यादातर सांप के काटने के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 12 शिशुओं की भी जान चली गई है। अलग अलग स्टाफ के ट्रांसफर के कारण हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ गई, इससे भी दिक्कतें हुई। कुछ दवाइयां भी खरीदनी थी लेकिन वो काम नहीं हो पाया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन मौतों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी मांगी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने एक ऐसा कमाल किया कि अब किसान भाइयों के झोले में जल होगा और इसके सहारे बंजर और ऊंची जमीन पर भी आसानी से फसल उगाई जा सकेगी। दरअसल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने एक ऐसा पाउडर बनाया जो 3 महीने तक फसलों को सिंचित करता रहेगा और ये पौधों को नाइट्रोजन भी देगा। यानी बुआई के समय इसका प्रयोग करेंगे तो कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगा। रबी की फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी बताया जा रहा है। गेहूं में एक ही सिंचाई पर्याप्त होगी, बंजर और ऊंची जमीनों पर भी आसानी से फसलें उगा पाएंगे। राजस्थान में खत्म होगा संविदा कर्मचारियों का सिस्टम, गहलोत सरकार अब करने जा रही है काम। राजस्थान कैबिनेट बैठक में 80 से ज्यादा संस्थाओं को सस्ती जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया। इनमें जयपुर नगर विकास न्यास, भरतपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जैसी जगह शामिल है। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने संविदा कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया। सरकार खुद ही एक एजेंसी बनाएगी और इसके तहत सरकारी कंपनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन बनाने का फैसला हुआ। सरकारी विभागों और बोर्ड और निगमों में अब सरकारी एजेंसी के जरिए संविदा कर्मचारी लगाए जाएंगे, जिससे संविदा कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज आ रही है। 3000 से अधिक फ्लैटों की योजना ला रहा है DDA, यानी दिल्ली में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। DDA 3000 से अधिक फ्लैटों की योजना लाने जा रहा है। इसमें DDA प्रीमियम फ्लैटों की योजना को भी शामिल करेगा। 10 नवंबर के आसपास इस योजना को शुरू करने की तैयारी की गई है। द्वारका, लोकनायकपुरम, वसंत कुंज जैसे इलाकों में फ्लैटों की योजना लाई जा रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने किए 20 IPS अफसरों के तबादले। चुनाव से पहले ब्यूरोक्रेसी में यह बड़ा फेरबदल हुआ। 20 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं, जिनमें कई जिलों के SP बदले गए हैं। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो के नाम पर 200 करोड़ की ठगी, पोंजी स्कीम का इस्तेमाल करते थे 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। पोंजी शैली योजना में लोगों को शामिल करने के लिए प्रलोभन दिया गया था। यूपी में स्कॉलरशिप के लिए करना होगा ये काम, तभी मिलेगी छात्रवृत्ति। योगी सरकार ने यह फैसला लिया। यानी यूपी में योगी सरकार छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नया कदम उठाने जा रही है। अब छात्रवृत्ति के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने जा रही है। अगले साल से सभी स्कूल और कॉलेजों में इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी है। समाज कल्याण विभाग इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी करने जा रहा है। आज से महंगे हो जाएंगे हीरो मोटोकॉर्प के 2-व्हीलर। कंपनी ने सिलेक्टेड कुछ मॉडल की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी की है। भारत में HP के साथ मिलकर लैपटॉप बनाएगी गूगल। CEO सुंदर पिचाई ने कहा, स्टूडेंट के लिए सस्ते और सेफ कंप्यूटिंग तक पहुंच बनाना आसान होगा। ये लैपटॉप तमिलनाडु में चेन्नई के पास HP की फैक्ट्री में बनाए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए पहली बार प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं। ये डिजिटल रूप में भी उपलब्ध होंगे। सभी विषयों के लिए क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न पत्र तैयारी के लिए प्रश्न बैंक तैयार हुए हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे छुट्टी के कारण अपडेट नहीं आ पाया। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 3 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम असम, मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग, दक्षिणी कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक या दो स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आप अपने मोबाइल पर ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को आप अभी फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।